हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुके क्लास 12th इंग्लिश में पांच सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाने की पूरी पूरी दोस्तों यहाँ संभावना है। और दोस्तों, हम आपको पूरी डिटेल में हम आपको बताएंगे कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, यानी कि ए से, और कौन पांच इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और किस वाले क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा, सब कुछ आज की वीडियो में बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, इस क्लास को आप सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से देखिएगा, आज आपका आर्टिकल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में सभी स्टूडेंट मिलकर के शेयर कर दीजिए, और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आ चुके हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, साथ में आपको बताते चले कि अगर आप 2023 बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस पाना चाहते हैं तो दोस्तों आज ही अभी आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से। ये दोनों ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से फटाफट जुड़ जाइएगा, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी लेट मत करिए, आप भी फटाफट जाकर के जुड़ जाइए, ठीक है। बाकी दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही सभी सब्जेक्ट के आपके इंपॉर्टेंट अध्याय वाइज आपके प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुके हैं, तो जाकर के आप वहां पर भी देख सकते हैं, क्लियर बात। चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि बोर्ड एग्जाम में जो आर्टिकल है, ठीक है, वो आपको 10 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 10 अंक में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और ये दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर सेकेंड ही आपका क्या रहेगा, आर्टिकल से ही रहेगा, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कि आर्टिकल कैसा एग्जाम में आएगा, ये बात बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट है ना, कि आर्टिकल में क्या हमसे पूछेगा एग्जाम में, जिस पर हमें क्या लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आर्टिकल में हम जो पूछा जाएगा वो डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा, आर्गुमेंटिव पूछा जाएगा, और दोस्तों ऑटोबायोग्राफिकल टाइप का जो है आर्टिकल, यही तीन टाइप के यहां पर आएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों कि एग्जाम में कितने वर्ड में लिखना होगा, क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको कितने वर्ड में लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जो आपका लिमिट है वो आप देख सकते हैं कि 100 से लेकर के, ध्यान सुनिए, 100 से लेकर 150 वर्ड में आपको लिखना है, यानी कि दोस्तों 100 से लेकर के 150 शब्दों में आपको लिखना है। अब आप बोलेंगे सर कितने पेज में लिखना होगा, तो दोस्तों मेंशन ये है कि जैसे कि नॉर्मल पेज जैसे हम लोग अपने कॉपी में लिखते हैं, अगर वैसे लिखेंगे तो मान करके चलिएगा 1.5 या 2 पेज में आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप काउंटिंग कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वो आपका कॉपी रहता है तो उसमें आप एक बार लिख करके आपको क्लियर पता हो जाएगा कि 100 से ज्यादा में लिखना है और 150 या उससे कम लिखना, उससे ज्यादा आप लिखेंगे तो आने वाला समय का जो क्वेश्चन वो छूटेगा। तो उम्मीद करिएगा कि आपको इसी में इतना ही लिखना है, 100 से लेकर के 150 में, ये बात क्लियर होगी। चलिए अब हम दोस्तों बातें बताएंगे कि आर्टिकल किस तरीके से लिखते हैं और कौन कौन सा हेडिंग होना चाहिए। उससे पहले हम पांच महत्वपूर्ण आर्टिकल हम आपको बता देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो 5 दोस्तों आपका 5 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसमें से बहुत सारे जो आर्टिकल आपके 2022 के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में, ध्यान सुनिएगा, पेपर आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो ध्यान से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, यानी दोस्तों आपका सेक्शन जो बी रहेगा, ठीक है, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर सेकेंड ही आपका क्या रहेगा, यही वाला क्वेश्चन आर्टिकल से रहेगा। कैसे क्वेश्चन पूछेगा ध्यान सुनिएगा, लिखेगा कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 में आपको यहां पर लिखना है, ठीक है, यानी कि 100 से लेकर के 150 शब्दों में यहां पर लिखना है। और ये दोस्तों आपका 10 अंक का रहेगा, उसके आगे उसका अंक भी दिया रहेगा, यानी दोस्तों ये 10 अंक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है। अब चलिए दोस्तों, पांच आर्टिकल हम आपको बता देते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में, इस आर्टिकल पर किस तरीके से आर्टिकल, हालांकि बता देंगे कौन कौन से मेन हेडिंग होते हैं आर्टिकल लिखने के लिए, बाकी दोस्तों आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप कहेंगे कमेंट करके तो हम एक दो आर्टिकल आपको समझा भी देंगे। चलिए पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते, पहला आर्टिकल है कि राइजिंग प्राइजेस, ठीक है, इसका मतलब दोस्तों बढ़ती कीमतें पर, आपको बढ़ती कीमतें, इस पर दोस्तों आपको आर्टिकल आपसे निबंध टाइप का आपसे पूछ सकता है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल में सोशल एवेल्स, ये यानी दोस्तों सामाजिक बुराइयां क्या होती, इसके बारे में आपको लिखने के लिए पूछा जाएगा। ये भी दोस्तों आपका 2022 बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आ चुका, ये भी आपका 2022 बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आ चुका, क्योंकि दोस्तों 2022 से, ध्यान सुनिएगा, 2022 से ही आपका इंग्लिश का जो पेपर, यानी इंग्लिश का जो सिलेबस था वो आपका क्या हो गया था, चेंज हुआ था। तो
चेंज हुआ था, तो आपका पैटर्न सब कुछ चेंज हुआ था, तो उसमें आपका ये आर्टिकल यानी एसे के बदले में यानी एसे के तौर पर ये आपका आर्टिकल आ गया लिखने के लिए, जिसमें कि ये सब क्वेश्चन 2022 से एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद है कि यही क्वेश्चन आपके 2023 वाले में भी आपके रिपीट करेंगे, क्योंकि दोस्तों आर्टिकल एक ऐसा पॉइंट होता है या इन एसे आपने देखा होगा निबंध, ये क्वेश्चन जो होता है हर साल रिपीट करता है ना, तो वही बात है। ठीक है दोस्तों, तीसरा भी क्वेश्चन आपके 2022 बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है। आइए देखते हैं क्या दोस्तों आगे का है। तीसरा इंपॉर्टेंट आपका है कि इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स यानी खेल का महत्व क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये भी 2022 एग्जाम में पूछा गया, तो ये भी आपका क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीन हो गया। चलिए चौथे की बात करें, चौथा भी आपका इंपॉर्टेंट है। चौथा है आपका कि माई प्लान्स फॉर फ्यूचर यानी दोस्तों भविष्य के लिए मेरी क्या योजना है, इस पर हमें आर्टिकल लिखना है। ठीक, इसके बाद दोस्तों पांचवा आपका आ जाता है कि इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी यानी कि भारत जो है प्राकृतिक सुंदरता की भूमि है, इस पर आपको क्या है आर्टिकल लिखना है। तो दोस्तों यहां पर हमने इस तरीके से मेंशन किया हुआ है कि कमजोर से कमजोर भी छात्र इसका मतलब समझ सके, यानी दोस्तों हमने यहां पर इंग्लिश साथ में हिंदी लिया है ताकि आप सभी को अच्छे समझ में आ जाए। इसी तरीके से दोस्तों आने वाले समय में जितने भी क्लासेस चलेंगी इंग्लिश की, ध्यान सुनिएगा, जितने भी क्लासेस इंग्लिश की चलेंगी सभी को हम कोशिश करेंगे कि उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ में लेकर के आए, ताकि आप सभी को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो ये दोस्तों पांच आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल थे जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं कि आर्टिकल हम कैसे लिखते हैं, उसमें क्या क्या हमें लिखना चाहिए हेडिंग डाल करके। तो दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं, तीन हेडिंग आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डालना पड़ेगा। ठीक है, आप या तो फिर दोस्तों आर्टिकल लिखने के लिए पैराग्राफ चेंज करके भी आप यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे तो एक अलग से वीडियो बना देंगे कि आर्टिकल हम कैसे एग्जाम में लिखेंगे ताकि हमारा नंबर ना कटे और अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिलहाल दोस्तों हम यहां पर आपको बता देते हैं, आर्टिकल लिखने के लिए पहला आप हेडिंग डाल सकते हैं इंट्रोडक्शन यानी दोस्तों आपका हो गया परिचय। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये पहला हो गया, ये आपको डालना ही डालना होगा उसके बारे में कि इसके बारे में आपको लिखना होगा है क्या चीज। ठीक है, इसके दोस्तों मेन बॉडी यानी दोस्तों इसका मध्य यानी कि मध्य का भाग हेडिंग क्या है, उसके बीच का वस्तु इसमें लिखना होगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों कंक्लूजन यानी दोस्तों आपका क्या हो गया निष्कर्ष। ठीक है, तो लास्ट में आप हेडिंग में कंक्लूजन डाल सकते हैं यानी कि उसका निष्कर्ष क्या निकला ये आप लिख सकते हैं। ये तीन हेडिंग जो है कि आपका इंपॉर्टेंट, मेन बॉडी में आप कोई भी हेडिंग एक डाल करके उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी दो हेडिंग आप आराम से एक डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हालांकि हमें कितना 100 से 150 वर्ड में ही लिखना है, तो इतना ही हमें क्या होगा सफिशियंट होगा। ठीक है, और अगर हमें नहीं चीजें समझ में आती तो हम क्या करेंगे पैराग्राफ चेंज करके भी लिख देंगे, तो भी हमें नंबर मिल जाएगा ठीक ठाक। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप हमें कमेंट करेंगे कि सर आर्टिकल के लिए कि आर्टिकल किस तरीके से लिखें, इस पर आप एक वीडियो बनाइए, तो जरूर हम बताएंगे और आपको बना करके आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये क्लास आपको अच्छे समझ में आ गया, और ये दोस्तों आपको पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये आर्टिकल अच्छे से पता हो गया। ये पांचों आर्टिकल आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट लेकर के आप इसको अपने क्वेश्चन बैंक में जहां हो सके तहां इसको टिक कर लीजिएगा और इसी को आपको तैयार करना है। और दोस्तों इसको आपको रट्टा नहीं मारना, ये अपने मत से लिखना हो, जैसे कि आप हिंदी में, सुनिएगा, जैसे आप हिंदी में निबंध लिखते हैं तो निबंध आप रटते नहीं है, उसकी हेडिंग आप देख लेते हैं और उसके बारे में आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको चीजें पता हो जाती हैं कि ये क्या चीज है, उसके बारे में आप अपने मन से लिखते। इसी तरीके से दोस्तों आर्टिकल में भी अपने मन से ही आपको लिखना, रट्टा नहीं मारनी। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों चलते चलते अभी तक आप सभी ने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, सभी हमारे प्यारे जो बच्चे हैं आप सभी इस क्लास को ज्यादा संख्या में आप लोग अपने स्कूल में अपने दोस्तों फ्रेंड में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जो हमारे प्यारे नए बच्चे इस क्लास से जुड़ चुके हैं या इस चैनल से जुड़ चुके हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आल पर ही क्लिक करिएगा। ठीक है, साथ में दोस्तों आप 2023 वाले ग्रुप में आप सभी जुड़ जाइएगा, उसका ग्रुप का लिंक व्हाट्सएप का और टेलीग्राम दोनों का ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट जाकर के जुड़ जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।